So today in this lecture we will study about adrenergic drugs. अब adrenergic drugs पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि adrenergic system क्या होता है या फिर हमारे पास adrenergic drugs का काम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं adrenergic system की। अब adrenergic system हमारे पास body में ऐसा system है जो कि responsible है हमारे responses के लिए जो कि हम fight या flight के cases में लेते हैं। So, अगर आपकी जो बॉडी है वो हाइपर एक्टिव है, आप कहीं पे हमारे पास किसी लगा लो आपकी जो हमारे पास हाईएस्ट जो एक्टिविटी होती है हमारे पास तब आती है जब हम या तो डर जाते हैं और डर के कहीं से भाग रहे होते हैं या फिर हम किसी से लड़ाई हो जाती है, लड़ पड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई ऐसा काम करें जिसके अंदर हमारी फुल अटेंशन चाहिए तो हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास मेजरली काम करता है फ्लाइट और फाइट के केस के अंदर और फ्राइट के केस के अंदर, राइट। अगर किसी से लड़ाई हो जाए या फिर हम किसी से डर के भाग रहे हो तब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब ये जो हमारे पास सारी की सारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैसेजेस हैं जो हमारे पास कंडक्शन होती है, न्यूरोट्रांसमिशन होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर करवाता है और उसका जो वो जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारे पास मेजरली एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर तीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामीन। तो ये जो तीनों हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हमारे पास एड्रेनर्जिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम का प्राइम फंक्शन क्या था? इट हेल्प्स द ह्यूमन बीइंग टू एडजस्ट टू स्ट्रेस एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस। क्या करता है हमारे पास? स्ट्रेस के कंडीशन के अंदर हमारे पास हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है या फिर एडजस्ट करता है और उसके अलावा हमारे पास बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट या फ्लाइट के रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो जब हमारे पास स्ट्रेस होता है, अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस है तो क्या हो जाता है? हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने नोट करा होगा कभी आप भाग रहे हो या फिर कभी डर लगा हो या फिर लड़ाई के टाइम पे आपकी जो हार्ट बीट होती है बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है इन केस ऑफ फ्लाइट और फ्राइट, ठीक है। तो हमारे पास कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब होता क्या है, हमारे हम कंडीशन को असेस करते हैं, हम किसी पर्सन को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए, ठीक है, और वो हमारे पास बहुत मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज भाग के आए, पता चले आपको कि बहुत ज़्यादा भूखा है, तीन चार दिन से कुछ नहीं खाया, तो आपको पता है कि शेर आपको खाने वाला है, राइट। तो अब होगा कि आप उस शेर को देखोगे, ठीक है, आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी और आप भागना शुरू कर दोगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, राइट। तो ये जो हमारे पास क्या हुआ कि हमने असेस करा, ठीक है, हमने देखा शेर को, उसने अपना गुस्से वाला मुंह बनाया, हम जो उसने आवाज़ें ग्रंटिंग करी शेर ने, जो उसने दहाड़ मारी वो हमने कानों से सुनी। अब कानों और हमारे कान और आँख जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाएंगे, ब्रेन जो है वो आगे हमारे पास हार्ट तक मैसेज भेजेगा कि हमारे पास अभी हार्ट बीट तेज करानी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो अभी हमारा ह्यूमन बीइंग है वो भागना स्टार्ट करेगा, राइट। और अब आपके दिमाग में आता है कि अब भागना स्टार्ट करना है तो आप पहले ही हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हो ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो हमारी लेग्स तक इंक्रीज हो जाए। तो अब ये जो मैसेजेस हैं ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स लेके जाते हैं। अब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल है इन मैसेजेस को कन्वे करने के लिए? नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामाइन। अब ये जो हमारे पास तीनों हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये होते हैं हमारे पास कैटेकोलामाइन्स। अब हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड होता है कैटेकोल। अब जो कैटेकोल होता है ये हमारे पास एक डायहाइड्रोक्सी अल्कोहल होती है। अब कैटेकोल के अंदर जब हम चेंजेस करते हैं तभी हमारे पास नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामीन आता है। तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? कैटेकोलामाइन्स। सो कैटेकोलामाइन्स आर द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम। अब एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर अब
ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये कहाँ पे बाइंड करते हैं और हमारे पास एक्शन आता है। तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड एट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। नाउ द रिसेप्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामीन आर नोन एज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। उसके अलावा हमारे पास जो अब हमारे पास जो नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और हमारे पास डोपामीन है, इन तीनों को हम कैटेकोलामीन्स की तरह रेफर करेंगे। तो कैटेकोलामीन्स अगर मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और डोपामीन, ठीक है। तो जो ये कैटेकोलामीन्स हैं, ये हमारी बॉडी में आती कहाँ से है? कैटेकोलामीन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं, स्टोर होती हैं सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के अंदर। क्या होता है हमारे पास, जब कोई स्टिमुलस आता है या कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तब हमारे जो न्यूरॉन नर्व्स हैं सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज करती हैं, स्टोर करती हैं और रिलीज करती हैं हमारे कैटेकोलामीन्स को। और जो जो नर्व्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिंथेसाइज, स्टोर और रिलीज करने के लिए कैटेकोलामीन्स को, उनको हम कहते हैं एड्रेनर्जिक नर्व्स या फिर हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। सो अब हमारे पास ये जो हमारे कैटेकोलामीन्स हैं, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करते हैं और हमारे पास स्पेसिफिक एक्शन आता है, राइट। अब जो ये हमारे पास हमारा नॉरएड्रेनालिन है या हमारे जो कैटेकोलामीन्स हैं, कैटेकोलामीन्स रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद एक्शन आ गया, उसके बाद क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट होता है हमारे पास टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट। तो टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट कैसे होता है नॉरएड्रेनालिन का? हमारे पास एक एंजाइम होती है COMT जिसको हम बोलते हैं COMT। सो COMT क्या होता है हमारे पास? कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है टर्मिनेशन करवानी है। अब हमने हमारे नॉरएड्रेनालिन के, हमारे कैटेकोलामीन्स के या फिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के, एड्रेनर्जिक सिस्टम के एक्शंस का, तो हमारे पास टर्मिनेशन कैसे होगी? सबसे पहले एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। सो व्हाट दिस इज एंजाइम डज इज इट बाइंड्स टू द एड्रेनर्जिक, बाइंड्स टू द कैटेकोलामीन्स और बाइंड करने के बाद हमारे पास मेटाबोलाइज करवा देती है हमारे कैटेकोलामीन्स को जो हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर हमारे पास मेजरली जो क्या होता है, हमारे पास मेजरली एक एक्शन होता है वो होता है एक्टिव रीअपटेक हो जाती है हमारे पास हमारे कैटेकोलामीन्स की। तो कैटेकोलामीन्स हमारे पास बाइंड किए हुए हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, हमारे पास नॉरएड्रेनालिन और हमारे कैटेकोलामीन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज है। तो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे नर्व एंडिंग्स हैं वो क्या करेंगी, वंस उनको पता चला कि हमारे पास प्रोपोगेशन हो गई है मैसेज की, तो जो एक्सेस में हमारे पास कैटेकोलामीन्स है उनको वापस हमारे पास एक्टिव रीअपटेक से यानी कि एनर्जी को कंज्यूम करके हमारे पास वापस रीअपटेक कर लेती है नर्व फाइबर्स। अब जो हमारे पास ये जो ये एक्टिव रीअपटेक होती है वो हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होती है और स्पेसिफिकली हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्टर NET बोलते हैं, उस ट्रांसपोर्टर से हमारे पास एक्टिव रीअपटेक हो जाती है फॉर द टर्मिनेशन और हमारे पास टर्मिनेट हो जाता है हमारे नॉरएड्रेनालिन का जो एक्शन है वो। सो अब ये जो हमारे पास डिफरेंट अब हमारे पास जो एड्रेनर्जिक हमारे पास सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास एड्रेनर्जिक एक्शन आ रहा है वो हमारे पास किसकी वजह से आ रहा है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जब हमारे पास हमारा कैटेकोलामीन्स बाइंड करते हैं तब, राइट। तो हमारे पास जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारे पास डिवाइडेड होते हैं दो फॉर्म्स में बेसिकली, अल्फा और बीटा। सो दो मेजर क्लासेस हैं हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की, अल्फा और बीटा, और डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास कौन सा रिसेप्टर है हमारे पास डिफरेंट एक्शंस आते हैं। जैसे कि जो अल्फा रिसेप्टर है जब उसके ऊपर हमारे पास बाइंडिंग होती है कैटेकोलामीन्स की तब हमारे पास एक्साइटेटरी इफेक्ट्स आते हैं एक्सेप्ट GIT। GIT को छोड़ के हमारे पास बाकी सब जगह जहाँ पे भी हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हमारे पास एक्साइटेटरी इफेक्ट्स आते हैं। सिमिलरली हमारे पास जहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स
प्रेजेंट होते हैं वहां पे हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट्स आते हैं एक्सेप्ट हार्ट को छोड़ के, हमारे पास जो बीटा रिसेप्टर्स हैं जब उनके ऊपर कैटेकोलामाइन्स जॉइन करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट्स आते हैं। अब जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं, अल्फा रिसेप्टर्स को हम फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अल्फा वन और अल्फा टू। सो लेट्स कीप दिस इन माइंड कि क्या होता है हमारे पास, जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ AR, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, दीज आर डिवाइडेड इनटू अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अब जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं, इसके ऊपर एक्सेप्ट GIT हमारे पास कैसा इफेक्ट आता है, एक्साइटेटरी, और हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स के केस में एक्सेप्ट हार्ट हमारे पास कैसा इफेक्ट आता है, इनहिबिटरी। इसके बाद हमारे पास रिसेप्टर्स
के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास कि एक्शंस क्या है हमारे पास जब इन रिसेप्टर्स के ऊपर एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन या फिर हमारे जो डोपामीन है वो हमारे पास जब बाइंड करेगा तो हमारे पास क्या एक्शन आएगा। तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन है इन दोनों का हमारे पास एड्रेनर्जिक इफेक्ट आता है, लेकिन जो डोपामीन है वो हमारे पास एज अ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर तभी एक्ट करता है जब इसकी कंसंट्रेशन हायर हो। सो डोपामीन एक्ट्स एज एन एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर ओनली व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज हाई। सो अब जो हमारे पास एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन है ये हमारे पास क्या है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, और हमारे पास जो ये ड्रग्स है इनको हम बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक्स। सिंपैथोमिमेटिक्स का क्या मतलब है, हमारे पास द ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एज सिंपैथोमिमेटिक्स, या फिर द ड्रग्स which simulates sympathetic nervous system are called as sympathomimetics, or the drugs which mimic the stimulation of sympathetic nervous system are sympathomimetics. तो sympathomimetic drugs क्या होती हैं? ऐसे drugs जो हमारे पास या तो sympathetic stimulation करवा दें या फिर हमारे पास mimicry करें जब हमारे पास sympathetic stimulation हो जाती है उसकी। तो अब ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं जो हमारे पास एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास तीन तरह से क्लासिफाई की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफाई की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, वो आप हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे, उसके अंदर कैटेकोलामीन्स और नॉन कैटेकोलामीन्स क्लासेस आती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है, और सेकेंडली हमारे पास अब क्लासिफाई करते हैं कि थेराप्यूटिक एक्शन कैसा है। तो जो हमारे पास थेराप्यूटिक एक्शन की वजह से क्लासिफिकेशन की जाती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन विच इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे हमारे पास मेजर पांच क्लासेस है एड्रेनर्जिक ड्रग्स की, जिसमें से सबसे पहली जो क्लास है वो है डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स। डायरेक्टली एक्टिंग यानी हमारे पास जो डायरेक्टली एक्ट करें ड्रग्स, और सिंपैथोमिमेटिक्स हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती है, द ड्रग्स विच मिमिक द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और द ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती है, नॉरएड्रेनालिन आता है, एड्रेनालिन आता है, डोपामीन आता है, उसके अलावा हमारे पास आइसोप्रेनालीन और फिनाइलएफरीन आता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स, उसके अंदर हमारे पास आता है एम्फेटामीन और टायरामीन। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास मिक्स एक्शन, जिसके अंदर आता है हमारे पास इफेड्रीन और सूडो इफेड्रीन। फोर्थ क्लास है हमारे पास कैटेकोलामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसके अंदर हमारे पास आता है एटोमोक्सिटीन और रिबोक्सिटीन। सो जो ये सारी हमारे पास ड्रग्स हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है एड्रेनर्जिक एक्शन के। अब हमारे पास सबसे पहला जो एजेंट है नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन, ये हमारे पास कैसे एक्ट करते हैं ऑन बाइंडिंग टू द डिफरेंट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका इफेक्ट आता है वो आता है हमारे पास हार्ट के ऊपर। जो हमारे पास सीवीएस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है हार्ट के ऊपर, जो अब हमारे पास जो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स है या नॉरएड्रेनालिन है, ये हमारे पास हार्ट के ऊपर जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं हमारे पास हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। सो व्हेन कैटेकोलामीन्स बाइंड टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन हार्ट दे स्टिमुलेट द हार्ट। अब जब हमारे पास हार्ट स्टिमुलेट होता है तब हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जो हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी होती है हमारे हार्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हार्ट की स्टिमुलेशन हो रही है। सेकेंडली हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो ब्लड वेसल्स हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है वो उनके ऊपर होता है हमारे पास अल्फा रिसेप्टर। जो ब्लड वेसल्स हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन तक
हमारे पास ब्लड को डिलीवर करती हैं, वहां पे होते हैं हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स, और वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है. तो सो देयर इज दो द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, व्हाट डू दे डू इज दे गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स. और हमारे पास जो रिसेप्टर्स स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वहां पे होता है हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स और बीटा 2 रिसेप्टर्स, और वो हमारे पास क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है. सो ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन तक ब्लड को कैरी करती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जो ब्लड वेसल्स हमारे पास स्केलेटल मसल्स के तक ब्लड को हमारे पास कैरी करती है वो हमारे पास डायलेट हो जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो जब हमारे पास स्मॉल डोजेस के अंदर हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स दी जाती है तब तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जब हमारे पास मॉडरेट डोजेस दिए जाते हैं तब हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. उसके अलावा हमारे पास अब ये जो हमारे पास इफेक्ट है, जो ब्लड प्रेशर फॉल करता है, ब्लड प्रेशर हमारे पास फॉल करता है बीटा रिसेप्टर के स्टिमुलेशन की वजह से, और जब हमारे पास बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तब हमारे पास ब्लड प्रेशर फॉल करता है. लेकिन जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तब हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट होने लग जाते हैं. तो जब हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होने लग जाता है. लेकिन हमने पढ़ा था कि जो अल्फा रिसेप्टर्स है उसका जो एक्शन है वो विद द टाइम बीइंग हमारे पास वियर ऑफ कर जाता है, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास दोबारा से जो बीपी है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वापस डिक्रीज हो जाता है. उसके अलावा हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं, जो हमारे पास ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हमारे पास ब्रोंकियोडायलेटर्स की तरह वर्क करते हैं एड्रेनर्जिक हमारे पास, तो हमारे पास उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है, जो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है लंग की उसको इंक्रीज कर देता है हमारे पास एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन. यूट्रस के ऊपर जो नॉन प्रेग्नेंट हमारे पास फीमेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास एड्रेनर्जिक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस को, और प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है यूट्रस की. उसके अलावा हमारे पास जो हमारा गट है या जीआईटी हमारे पास उसके अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है. जो हमारे पास स्प्लेनिक कैप्सूल है उसके अंदर हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाती है. जो ब्लैडर है ब्लैडर के अंदर हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है. आई के ऊपर हमारे पास एक्टिव माइड्रासिस हो जाता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, प्यूपिल की डायलेशन हो जाती है. और लेकिन इसमें क्या फर्क है, हमारे पास प्यूपिल की डायलेशन होती है और हमारे पास क्या हो जाता है, जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर है वो भी डिक्रीज होता है. उसके अलावा हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है वो उसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे पास ऑन द यूज ऑफ नॉर्मल कैटेकोलामाइन्स. अब उसके अलावा हमारे पास स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो है वो न्यूरोमस्कुलर ट्रांजिशन हमारे पास जो ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एसिटाइलकोलीन का जो रिलीज है वो इंक्रीज हो जाता है. सो ये जो हमारे पास एक्शंस आ रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर, उसके अलावा हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि हमारे पास एंजाइटी कॉज हो जाती है, पैल्पिटेशन कॉज हो जाती है, हमारे पास वीकनेस, ट्रेमर्स, पैलर, डिजीनेस जैसे सिम्टम्स आते हैं, हमारे पास हेडेक स्टार्ट हो जाता है. सो अब ये जो हमने डिफरेंट एक्शंस पढ़े हमारे एड्रेनर्जिक सिस्टम के, अब इनका हम हमारी जो मेडिकल फील्ड है मेडिकल साइंसेस के अंदर हम कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. थैंक यू.